श्रोमणी पंथी अकाली बुढ़े दल विच यह मर्यादा सी कि जदों गुरु ग्रंथ साहब जी का अखंड पाठ रखते सी ना पहला कीर्तन करते सन, रज रज के कीर्तन करना, गुरु दियां खुशियां लैनियां, फिर अरदास करनी, माहौल बन जाना अखंड पाठ शुरू करन दा। ते गुरु खालसा जी पंजी पंजी पाठी लगने, पांच पाठी लगने वड्डे, पांच गुरु खालसा जी जपजी वाले, पांच लगने धूप वाले, पांच लांगरी, पांच गुरु खालसा जी बरछियां वाले, इस तरीके दे नाल पंजी पाठी तैयार पर तैयार लगने। ते जग दी न्याई गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ होना ते गुरु खालसा जी जिहड़ी भी कामना होनी वह पूरियां हो जाए। अज गुरु खालसा जी वह मान मर्यादा रही कोई नहीं है। पहला तो जिमें किताब चुक के लियाई दी है इदा गुरु ग्रंथ साहिब जी लियाउंदे ने, आउंदिया ही गुरु खालसा जी पाठ रख दिंदे ने। एडा वड्डा 48 घंटे पाठ चलना है, पहला कोई गुरु चरणा विच घट्टो घट सुखमणी साहिब ते पढ़ो ना, गुरु चरणा विच प्रार्थना करो, महाराज निर्विघन अपने घर विच जग कराउण लगे हैं, आप जी कृपा करके पूरियां करवायो। सचखंड श्री हजूर साहिब दे विच एक महापुरख रहिंदे ने, उहनां नूं काले चोले वाला महापुरख कहिंदे ने, काले रंग दा चोला पा के रखदे ने, बड़े धर्मात्मा बड़े पूरन महापुरख ने। लंगर साहब गुरु खालसा जी उन्हां दा आसन है, उन्हां महापुरखां दे दर्शन हुंदे ने, दर्शन कीतियां ही ठंड पैंदी है। वह महापुरखां ने एक बारी गुरु खालसा जी मर्यादा दस के पाठ करवाया सी। सरबलो बुंगा नंगली तो पाठी सिंह गए सन, गुरु खालसा जी 1 बजे रात उठ के मूल मंत्र ते गुरमंत्र दे पहरे लाए, अते गुरु खालसा जी 6 बजे तक नितनेम होया, मूल मंत्र गुरमंत्र दे जाप होए, फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सुखासन होया, ते फिर गुरु खालसा जी समय नाल सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी दे जाप रखे गए। वह महापुरख ते इत्थों तक दसदे ने भी जदों अखंड जाप करवाना आवे एक दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने घर लियाओ, अमृत वेले उठ के जाप करो मूल मंत्र गुरमंत्र दे, ते महाराज साहिब जी नूं प्रसन्न करो ते अरदास करो, महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी दे अखंड जाप करन लगे हैं, कोई विघन ना आवे, आप जी कृपा करो, दया करो, मेरा करो सच्चे पातशाह जी। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਦਇਆ ਹੋਈ, ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਸਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।